बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की शादी के बाद से तो जैसे बॉलीवुड में शादी का सीजन शुरू हो गया है। जब से इन दोनों स्टार्स ने शादी की है उसके बाद से हर रोज किसी न किसी सेलिब्रिटी की शादी की खबर सुनाई दे रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं उन स्टार कपल्स के बारे में जो इस साल यानी 2018 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। ये दोनों लव बर्ड्स काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और किसी से इनकी लव स्टोरी छिपी नहीं है। यहाँ तक कि दोनों के परिवार ने भी दोनों के रिश्ते को लेकर अपनी रजामंदी दे दी है। विराट अनुष्का के बाद अगर कोई लव बर्ड शादी करने वाले हैं तो वो हैं रणवीर और दीपिका। इस साल दोनों की शादी होना लगभग फाइनल हो चुका है। दीपिका रणवीर के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा भी इसी साल शादी कर सकते हैं। खबर है कि सोनम अप्रैल में आनंद से शादी करने वाली है। खबरों के मुताबिक इनकी शादी जोधपुर में होगी और ये एक प्राइवेट वेडिंग होगी जिसमें लगभग 300 गेस्ट शामिल होंगे। इसके बाद इस लिस्ट में नाम है बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का। वरुण धवन और फैशन डिजाइनर नताशा दलाल दोनों एक दूसरे के बचपन से बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा उनकी फैमिली के भी काफी क्लोज हैं और अक्सर उनके फैमिली फंक्शन भी अटेंड करती रहती हैं। खबर है कि वरुण भी नताशा से इसी साल शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर पॉलिटिशियन की बेटी सान्या सागर को डेट कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक 22 जनवरी को प्रतीक सान्या से लखनऊ में सगाई करने वाले हैं। वैसे तो प्रतीक और सान्या एक दूसरे को पिछले 8 साल से जानते हैं लेकिन रिलेशनशिप में दोनों कुछ वक्त पहले ही आए हैं। कभी बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा को डेट कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी फिलहाल एक अमेरिकन डायरेक्टर मैट अलोंजो को डेट कर रही हैं। खबरों के मुताबिक नरगिस इसी साल शादी कर सकती हैं। आपको बता दें कि नरगिस काफी लंबे समय तक उदय चोपड़ा के साथ रिलेशन में रह चुकी हैं, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा काफी लंबे समय से फिल्म फुकरे में उनके को स्टार रह चुके एक्टर अली फजल को पिछले 1 साल से डेट कर रही हैं। खबरों के मुताबिक ये दोनों भी इसी साल शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन, जो कि इन दिनों खुद से आधी उम्र की गर्लफ्रेंड अंकिता कुंवर को लेकर सुर्खियों में छाए हैं, खबर है कि ये दोनों भी जल्द ही शादी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अंकिता के पेरेंट्स ने दोनों की शादी के लिए हाँ भी कर दी है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल को लंबे समय से डेट कर रही हैं। दोनों की मुलाकात शो के सेट पर हुई थी। खबर है कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं। बिग बॉस सीजन 5 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई एक्ट्रेस महक चहल टीवी एक्टर अश्विन पटेल से सगाई कर चुकी हैं। खबरों के मुताबिक दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। दोनों का कहना है कि उनकी फैमिली जल्द ही शादी की डेट फाइनल करने वाली है। आपको बता दें कि महक और अश्विन का अफेयर 2015 में रियलिटी शो पावर कपल्स के दौरान लाइमलाइट में आया था। वहीं टीवी की नागिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय टीवी फेम मोहित रैना को डेट कर रही हैं। दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मौनी बातचीत के दौरान ये इशारा दे चुकी हैं कि वो जल्दी ही शादी करने वाली हैं। अब देखना ये है कि इन सभी सेलिब्रिटीज में वो कौन से कपल्स हैं जो जल्द ही आपको गुड न्यूज देने वाले हैं। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।